तो हमने अब तक क्या देखा, जैसे फंक्शन अगर मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन, ठीक है, मींस एट x इक्वल टू a का सपोज मान लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन में डिफरेंशिएबल है, तो f डैश a जो था वो किसके इक्वल होता था, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, मीन्स उसके एल एच डी और आर एच डी ऑफकोर्स इक्वल होगा, ठीक है, देन हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए, और जो कंप्लीट वैल्यू जो निकलेगा दैट वैल्यू विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग ज्योमेट्रिकली चीज़ को समझते हैं ऐसा हो क्या रहा है, ठीक है, मीन्स एक्चुअली ज्योमेट्रिकली देता कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्चुअली मी इट गिव्स स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक, उस फंक्शन का स्लोप मेरे को पता चल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सपोज गिवेन दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कर्व हम सबको पता है, ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सब कुछ पैराबोलिक कर्व हम सबको पता है, मतलब ठीक ठाक ग्राफ हम लोग अब तक पता है ना, तो इतना समझो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो टेंजेंट नॉर्मल तो हम लोग पूरा 11th में कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो टेंजेंट मीन्स कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना होता है तो स्लोप निकालना हम सबको आता है, ठीक है, तो एक्चुअली जो दे रहा है सो क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मीन्स ए पॉइंट पे उस जो एफ एक्स मेरा फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन पे, जैसे मैं सबको समझ इस तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये मेरा ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज अगर बोला जाए चलो इसका स्लोप, इस कर्व का स्लोप बताओ, फाइंड स्लोप, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, मीन्स एक्स इक्वल टू सपोज यहाँ एक्स ईयर दे रखा है, एक्स इक्वल टू टू गिवन दे रखा है, तो बेसिकली हम लोग तुम अगर इससे निकालो या फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स आएगा और एफ डैश टू कितना हो जाएगा, मीन्स फोर हो गया, मीन्स सपोज यहाँ से जो दिख रहा है, यहाँ से लाइन पास करेगा इस तरीके से, इस लाइन का स्लोप जो होगा वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस सी होगा, मीन्स एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट है और हर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट स्लोप आने वाला है, ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स इक्वल टू पे जो यहाँ से टेंजेंट बना, ठीक है, उस टेंजेंट का स्लोप अगर मेरे को निकालना रहा तो स्लोप कितना हो गया, फोर हो गया, मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मीन्स अल्टीमेटली मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ये जो एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश टू जो क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है, मीन्स किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा, जो टेन थीटा, मतलब जितना हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वगैरह में, तो स्लोप को हम लोग एम बोलते थे, मीन्स जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल बना रहा होगा, ये एंगल थीटा, तो थीटा यहाँ से कितना होगा, टेन इनवर्स फोर हो गया, ठीक है, ये टेन इनवर्स फोर एंगल बना रहा है, ठीक है, और कंप्लीट इसका स्लोप कितना हो गया, फोर हो रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकाल लें, मीन्स ये क्या दे रहा है, एक्चुअली स्लोप ही निकल रहा है मेरा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकली चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, आता कहाँ से आ रहा है ये चीज़, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा चीज़ को समझते ज़्यादा बेटर तरीके से, है ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे चीज़ को, ठीक है, यूजिंग ज्योमेट्री, ठीक है, अब देखो चलो हो क्या रहा है समझना, मैंने क्या बोला, अगर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एल एच डी या फिर आर एच डी किसी एक चीज़ को पहले निकालता हूँ, सपोज मान लिया मेरा कर्व दे रखा है इस तरीके का, समझो ज़्यादा बेटर अच्छे से तरीके से, मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है, मान लिया जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, सपोज ये दे रखा है, सपोज यहाँ पे दे रखा है P, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज Q, ठीक है, अगर मैं PQ को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से तो PQ कॉर्ड बन गया, PQ इज कॉर्ड, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या दे रखा है, A, यहाँ क्या दे रखा है, मान लो एक्स, यहाँ पे क्या है मेरा ओरिजिन मान लो, ठीक है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये मेरे के एक कॉर्ड भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह है ना, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है कॉर्ड ही,
ये चीज़ को समझना है ना। ये फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन गिवन दे रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ इस क्यूब कोऑर्डिनेट अगर एक्स है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट एफ एक्स हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। अगर पी का एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में क्या पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा। तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है तक। हाँ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या किया, इसको एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ऐसे समझो, तो पी के मैं इसको कैपिटल आर बोल दिया, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब समझना, जैसे अगर मेरे को आर क्यू का लेंथ निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ एक्स और ये लेंथ ए, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को पी आर का लेंथ निकालना है तो एक्स एक्सिस मीन्स ये लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है एफ ए, और ये लेंथ कितना है एफ एक्स, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा एफ ए माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ इस जगह से मेरे को क्या समझ में आया कि पी आर इक्वल टू मेरा कितना हो गया एफ ए माइनस एफ एक्स, पी आर इक्वल कितना हो गया एफ ए माइनस एफ एक्स। अगर मेरे को आर क्यू फाइंड करना था, आर क्यू कितना हो गया एक्स माइनस ए, ठीक है। मीन्स मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है एक्चुअली पी पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना, ठीक है। क्योंकि एफ डैश ए एक्चुअली एफ डैश ए क्या देता है, एफ डैश ए दैट मीन्स उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप एफ डैश ए देता है मेरे को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उस टेंजेंट का मेरे को स्लोप फाइंड करना मेरा मोटिव है। तो फिलहाल मेरा पहला चीज़ क्या होता है, हम लोग एल एच डी आर एच डी निकालते हैं, एल एच डी दैट मीन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी दैट मीन राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फिलहाल मैं आर एच डी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ से जो टेंजेंट पास करेगा उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना मेरा मोटिव है। बट फिलहाल मैंने क्या किया, उस चीज़ को थोड़ा सा मीन्स एक्चुअली में मेरे मोटिव क्या होगा, एक्स को ए की तरफ शिफ्ट करना। जैसे जैसे एक्स मेरे ए की तरफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे यहाँ जो टेंजेंट पास करेगा उस टेंजेंट का मेरे को स्लोप पता चल जाएगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ जो क्या सिकेंड बोलते हैं, सिकेंड क्या होता है और कॉर्ड में क्या अंतर होता है, कॉर्ड दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सिकेंड, अगर एक्सटेंड कर दो तो, ठीक है। तो मैं फिलहाल इस कॉर्ड का स्लोप निकालना मेरा मोटिव है, ठीक है। अब देखो, हम सबको पता है कि जैसे स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्या होता है ये मेरा स्लोप होता है किसी भी लाइन का, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, स्लोप हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे y2 कितना हो जाए एफ ए, दिखाई दे रहा है चीज़। मतलब सपोज इस लाइन का मेरे को स्लोप फाइंड करना है इस लाइन का, तो क्या बोलेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो y2 fa, y1 fx, x2 a, x1 x, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। हाँ, अब सब समझो इस जगह से, ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे fa माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कॉर्ड का स्लोप आ गया, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर मैं इस जगह के एंगल में थीटा बोल दूँ, ठीक है, इसका एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक, तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, समझना, ठीक है। तो एफ ए माइनस दिस डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, जहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे ए माइनस एक्स होता है, ठीक है, स्लोप निकालते तो ए माइनस एक्स का स्लोप होता, ठीक है। क्योंकि देखो दिस इज सपोज तुम इसको एक्स टू कॉमा वाई टू बोलते हो, दिस इज एक्स वन कॉमा वाई वन बोल रहे हो, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे वाई टू माइनस वाई वन दैट मीन्स एफ ए माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन दैट मीन्स ए माइनस एक्स, ठीक है। अब समझो इसको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, इधर क्या किया, इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये एंगल कितना हो रहा है, आप एंगल थीटा हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ से टेन थीटा लगाते हो तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ऑफकोर्स थीटा के सामने वाला बेस हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया एफ ए माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए क्या हो गया, ठीक है, टेन थीटा इक्वल आ गया, है ना।
अब समझना इस जगह पे इस लाइन का स्लोप अगर मेरे को निकालना रहा तो क्या टेन थीटा स्लोप होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक का जो एंगल बनता है, ये मेरा इस एंगल को टेन में डाल दो तब मेरा स्लोप आने वाला है। तो एक्चुअली इस लाइन का जो स्लोप होगा ना, ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा जो, ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन जो भी एल, ठीक है, अभी तुम बोल सकते लाइन कौन सा लाइन बोलते हैं इसको, पी क्यू लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप कितना हो जाएगा? देखो अगर ये थीटा थी क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स का स्लोप क्या होगा, टेन पाई माइनस थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से टेन थीटा क्या निकला है, निकला एफ ए माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, मेरा टेन थीटा निकला है। तो ऑफकोर्स टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट विच इज माइनस टेन थीटा हो जाएगा, दिस इज माइनस टेन थीटा, ठीक है, ठीक है, एम पी क्यू बोल सकते हो। मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस टेन थीटा, बट टेन थीटा क्या निकला, ये निकला, समझ आ रहा है? बट अगर मेरे को माइनस टेन थीटा स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज माइनस टेन थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू दिस। तो माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए हो गया। तो यहाँ से स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी ये जो पी क्यू लाइन दिखाई दिया, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब तो हम लोग करते क्या चीज़ थे, हमने क्या निकाला, अब मेरा मोटिव क्या चीज़ यहाँ पे, सिर्फ आर एच डी निकालना, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से टेंजेंट पास करेगा, उस टेंजेंट का मेरे को स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले एल एच डी, इसके जस्ट पहले आर एच डी, है ना। अभी देखो, अभी हो क्या रहा एक्चुअली में, कि ये जो कर्व दिखा है, जो रेड वाला जो लाइन दिखा है, जो तुम समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्ड है छोटा सा, ठीक है, ये तो लाइन तो ये हो गया एक्सटेंड करने पे, ठीक है। अगर तुम अब क्या करो कि यहाँ से अगर तुम इस कॉर्ड को इधर शिफ्ट करो, मीन्स यहाँ पहुँचा दो, यहाँ पहुँचा दो, तो अगर इस कर्व पे चलने की कोशिश करोगे तो चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा जब पी के पास पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक टेंजेंट बन जाएगा। तभी हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोल रहे थे, लिमिट मेरा एक्स, देखो समझना इस जगह पे, एक्चुअली जो एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए जो आया, फिलहाल जो स्लोप आया इस कॉर्ड का स्लोप आया, बट मेरा मोटिव कॉर्ड का स्लोप फाइंड करना नहीं है, मेरा मोटिव क्या है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से जो टेंजेंट पास करेगा उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना मेरा मोटिव है। और देखो जैसे यहाँ से जो स्लोप टेंजेंट पास करेगा, ये जो लाइन होगा और इधर जो लाइन होगा, तो इस एक्चुअली दोनों एक्चुअली टेंजेंट बनेगा, वो तो सेम लाइन होगा, तो स्लोप तुम इस स्ट्रेट लाइन में तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालो सेम आना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से जो टेंजेंट पास किया इस जगह पे, इसके इस वाले पोर्शन मीन्स राइट वाले पोर्शन और लेफ्ट वाले पोर्शन का जो वैल्यू आना चाहिए, मीन स्लोप आना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर स्लोप इधर कुछ और आ जाएगा, इधर स्लोप कुछ और हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि बिल्कुल स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंशिएबल नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। यही मेरा मोटिव, अब मेरा मोटिव क्या चीज़ है, अभी हमने स्लोप इसका निकाला, अब मेरे को करना क्या चीज़ है, जो एक्स है, जो एक्स अगर तुम सोचो अगर एक्स इस आगे बढ़ते 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 एक तक पहुँच जाए, तो ऑफकोर्स ये जो कॉर्ड था जो, ये भी इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तभी मैं बोलो अगर x मान लें मेरा a की तरफ जाने की कोशिश करें, मीन्स x मेरा a की तरफ चलेगा, मीन्स अगर मेरे को क्या करना है, इस कर्व पे चलना है, a की तरफ जाना है, कर्व पे चलोगे तो अगर x a तक एग्जैक्ट पहुँच जाएगा सपोज, तो x और a आपस में इक्वल हो जाएगा, बट मेरे को एग्जैक्ट पहुँचाना नहीं है, मेरे को क्या करना है, इससे जस्ट पहले मीन्स आर एच डी, मीन्स इसके जस्ट पहले मीन्स x a की तरफ टेंड्स करेगा, अगर x a की तरफ टेंड्स करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, मीन्स एक्स अगर ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, दिस इज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए मेरा आर एच डी आ गया, आर एच डी दैट मीन्स एफ डैश ए, मीन्स बोल सकते हैं स्लोप, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, पूरा स्मूथ है कर्व, ठीक है, मीन्स डिफरेंशियबल इस जगह पे तो है ही है, ठीक है। तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट क्या होगा, से टच करके निकल इस जगह पर, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेंजेंट हमें टच करके निकलता, टेंजेंट कट भी करता हम जो आगे देखने वाले, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए विल बी एफ डैश ए विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
अगर ये x a की तरफ हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेरा ये इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, सेम काम क्या करना है, इसके लिए भी करना है, एलएचडी के लिए भी सेम काम करना है। ठीक है, मैं फिलहाल क्या अज्यूम कर लिया इस जगह पे, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि मेरे को एलएचडी निकाला, आरएचडी निकाल लिया हमने, इसी तरीके से मेरे को एलएचडी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर डाउट कभी होगा, जैसे हम लोग आगे डायग्राम बना के देख के समझेंगे चीज़ को, अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, किस जगह पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम लोग सेपरेट एलएचडी निकालेंगे और सेपरेट आरएचडी वगैरह निकाला करेंगे। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से, डायग्राम थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं एक और, ठीक है, उससे और चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अब समझना, एक्चुअली मैं मेरे को बताने का मोटिव क्या था यहाँ तक। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया कि जो कॉर्ड मेरा क्या बोलते हैं, जो पी क्यू कॉर्ड था उसका स्लोप क्या था, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए था। अब एक्चुअली मैं मेरा बोलने का मोटिव ये चीज़ था, समझो इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे क्या था, इस जगह पे पी था, यहाँ पे क्या था, क्यू था। ठीक है, तो अभी हमने जो स्लोप निकाला, ठीक है, ये स्लोप निकला, मीन्स इस लाइन का स्लोप निकला, बट एक्चुअली मेरे को स्लोप किस, मेरे को एक्चुअली स्लोप जो निकालना था एक्स इक्वल टू ए पे स्लोप फाइंड करना था। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो टेंजेंट पास करेगा उसका स्लोप फाइंड करना था। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ए था, इस जगह पे एक्स था। ठीक है, अब समझो मैंने क्या बोला, अगर x मेरा a की तरफ जाएगा, मीन्स x अगर a की तरफ, x मेरा a की तरफ अप्रोच करेगा, आप समझना बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ए, उल्टा बोल दो इसको, क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ए माइनस एफ एक्स, ये आ गया, है ना। देखो अब क्या करना है कि मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, मींस उसका मेरे को स्लोप निकालना है। ठीक है, एफ डैश वही होगा। अब क्या कर रहे हैं, मैं अगर सपोज तुम समझो यहाँ पे क्या था, क्यू है, या मतलब क्यू वन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, यहाँ ज्वाइन कर दो, तो इस तरीके से ज्वाइन करें। ठीक है, अब मेरे को करना है कि एक्स यहाँ पर इस जगह पर पहुँच गया, मीन्स एक्स ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक तरफ से उठा मेरे को कर्व भी चलना है। अगर सपोज क्यू टू यहाँ पे, अगर एक्स इस जगह पर पहुँच जाए, ठीक है, तो इसको तुम ज्वाइन करोगे यहाँ से, दिख रहा है ये, अगर यहाँ पे Q पहुँच गया, दिस इज Q3, क्या हो जाएगा, अभी ये यहाँ तक आ गया, सब यहाँ पे Q4, ठीक है, इससे चल रहा है इस तरीके से, फिर क्या हो गया, ये हो गया। अब चलते लास्ट में ऐसा पॉइंट, अगर तुम सपोज X अगर इस जगह तक पहुँच जाए, X में से यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो लाइन पास कर रहा है जो, ठीक है, टेंजेंट ये है, इसका स्लोप वो फाइंड कर ले, मीन्स आर एच डी निकल गया मेरा एक तरह से। एल एच डी निकालना, फिर से क्या काम करना पड़ेगा, और देखो एल एच डी के लिए क्या करना, सिमिलरली सेम काम करना है एल एच डी के लिए भी, समझना, जैसे एक कर्व दे रखा इस तरीके का, ठीक है, मान लिया यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, आज मान ऐसे टेंजेंट बन रहा, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ठीक है ना, एल एच डी के लिए सिमिलरली सेम काम करना है। अब क्या हो जाएगा एल एच डी के लिए, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या था, पी है इस जगह पे, कुछ भी क्यू था ना, यहाँ पे सपोज एस मान लिया, ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, सो मेरे को अगर एक्स इक्वल टू ए पे जो टेंजेंट बना, उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है और बताना कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो ऑफकोर्स यहाँ से देखो समझो, इस जो लाइन दिखाई दिया टेंजेंट मैंने बना दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसके लेफ्ट वाले पोर्सन का स्लोप निकालो और इसके राइट वाले पोर्सन का स्लोप निकालो, अगर दोनों का स्लोप सेम आ जाए तभी बोलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग समझने की कोशिश क्या कर रहे थे अभी, ठीक है, कि यहाँ पे से पॉइंट ए मेरा था, ठीक, हम लोग क्या कर रहे थे कि क्यू से चलने की कोशिश कर रहे थे, मीन्स आर एच डी निकालने के लिए चलने की कोशिश करें, चलने की कोशिश किए, चलते चलते मीन्स अगर यहाँ पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऐसा शिफ्ट होगा इस तरीके से, कॉर्ड यहाँ बन, ऐसा कॉर्ड बन जाएगा, यहाँ पर अगर क्यू से, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स था, एक्स अगर ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो एक टाइम पे अगर एक्स इस जगह पे आएगा तो क्यू यहाँ पे पहुँच जाएगा, तब इस कॉर्ड का स्लोप निकलेगा, अब इस कॉर्ड का स्लोप निकलेगा, देखो इस तरीके से, तो अगर क्यू शिफ्ट होते तो अगर यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ से जो लाइन पास किया, मीन्स एक्स अगर ए की तरफ पहुँच गया, मीन्स ए से जस्ट बाद, ठीक है, जो आर एच डी हम लोग बोलते हैं, तो मेरा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरा स्लोप आ चुका है एक तरह से, तो इसका समझ, इसका स्लोप आ गया सपोज एम आ गया, एम वन आ गया। ठीक है, अब सेम काम क्या करना है, लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए, मीन्स एल एच डी वाले पोर्शन के लिए काम करना है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मान लिया यहाँ पे एक्स न्यू एक्स इस जगह पे आ गया, ठीक है, एक्स वाली कुछ और होगा, यहाँ पे एक्स वाली कुछ और होगा, अब क्या करना है, अगर तुम ज्वाइन करें फिर एस यहाँ पहुँचेगा, इसको ज्वाइन करोगे इस तरीके से, फिर एस इस जगह पहुँचेगा, फिर इसको ज्वाइन करोगे यहाँ तक,
इस तरह पहुँचते पहुँचते अगर एस इस जगह तक पहुँच जाए और पता चला कि इसका स्लोप कितना निकल रहा है, मीन्स एम वन निकल रहा है, मीन्स तुम एल एच डी निकाले, डिफरेंशिएबल।